लोकसभा चुनाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। रविवार को समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा जब वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भानु प्रकाश मिश्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस वार्ता के माध्यम से भानु प्रकाश मिश्र ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा करता था और जब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था उस समय मुलायम सिंह यादव, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा और ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोगों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी बनाई थी। यही सोचकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी और परस्पर विरोधाभास हो गया है। समाजवादी पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है जहां सवर्णों का लगातार उपेक्षा हो रही है। जब सम्मान ही नहीं रह गया तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ हूँ। इसके बाद आप लोगों के साथ विचार विमर्श करके जहाँ भी हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, जिस भी दल के हों, उनको जिताने का काम करूँगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भानु प्रकाश मिश्र ने कहा, उत्तेजित होता इसीलिए हम कुछ नहीं हुआ। 93 से लेके 97 तक और उसके बाद 2001 में समाजवादी पार्टी जान गए। 97 में जब मेरे साथ घटना हो गई तो उसके बाद मैं 3-4 साल में बेड पे था। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता था। पिछले 18 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा था और जब मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था तो समाजवाद के पूर्वधाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, ब्रजभूषण तिवारी जैसे लोगों के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी बनाई थी। ये सब सोच के हमने कि समाज में रह के समाज के लिए काम करेंगे तो हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी में परस्पर विरोधाभास हो गया है। समाजवादी पार्टी कुछ मालगोदाम में लटके हुए बाल्टी की तरह हो गई जिसपे लिखा हुआ है आग, लेकिन उसमें भरा हुआ पानी और बालू, इसका कोई तालमेल नहीं। आग का बालू और उससे कोई तालमेल नहीं। तो समाजवादी पार्टी आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि सवर्णों का लगातार उपेक्षा, ब्राह्मणों की उपेक्षा, मीटिंगों में ब्राह्मणों को अपशब्द कहा जा रहा है। ऐसे स्थिति में ब्राह्मण अपने समाज के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया समाजवादी पार्टी को अलविदा करते हुए आज समाजवादी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, किसी पार्टी को समर्थन देंगे आप या कि कोई पार्टी? मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ हूँ। मैं इसके बाद अपने लोगों के साथ विचार विमर्श करके जहाँ भी हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, चाहे जिस भी दल से होंगे, उनको मजबूत कर रहे हैं और उनको जिताने का काम करूँगा।